सोशल मीडिया पे हमारे आदि की और अपने नितिन की कुछ दिन पहले बात हो गई थी, बहुत ज्यादा चीजें खराब हो चुकी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आदि नागर ने नितिन चंदेला की कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर दी है। अब इसके ऊपर संदीप यानी कि टाइगर का भी रिएक्शन आ चुका है। उन्होंने क्लियरिफिकेशन देते हुए क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। हाँ जी, तो प्रॉब्लम मेरे छोटे बड़े भाई ने, भाई सोशल मीडिया पे हमारे आदि की और अपने नितिन की कुछ दिन पहले बात हो गई थी, बहुत ज्यादा चीजें खराब हो चुकी थी, बहुत टाइम पहले से शुरू हो चुकी है। और ये शुरू हो चुकी है जब राजवीर का और रजत दलाल का कुछ सीन चल रहा था उन दिनों। तो भाई उन दिनों ये सब एक ही है, एक साथ खा रहे, एक साथ पी रहे, लेकिन ऐसा किसी को भी ज्ञान नहीं था कि कोई हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, जैसे कि राजवीर ने करी है। ठीक है, राजवीर ने रिकॉर्डिंग कर ली और ये रिकॉर्डिंग करने के बाद नितिन की और राजवीर की आपस में बिगड़ गई। तो राजवीर ने ये रिकॉर्डिंग जाकर गाजियाबाद थाने में कंप्लेंट भी कर दी थी कि नितिन मेरे को धमकी दे रहा है, व्हाटएवर जो भी है। वहां हम गए, मैं था, राजवीर के पिताजी थे, नितिन था, जो हम डीसीपी ऑफिस जाके कॉम्प्रोमाइज लेटर सेंड करके आदि भैया, लेकिन आदि वगैरह थोड़े बाहर कर दिए थे डीसीपी सर ने। ठीक है जी, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज हो गया। उस दिन के बाद राजवीर अपने अच्छा खाका मारा, नितिन अपना अच्छा खाका मारा। रहेगी आदि की और नितिन की बात, इन दोनों की कभी भी फोन पर आर्ग्यू हो जाती थी कभी भी, जो कि समझ मुझे चलो ठीक है, हो रही आपस के चलती रहेगी, समझाया करेगी, अभी समझाया करे, अभी समझाया करे, लेकिन हमें ये नहीं पता था मुद्दा इतना बढ़ जाएगा तो ये लड़ाई हो जाएगी। अब राजवीर ने सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो भी राजवीर के पास थी, अच्छी बुरी, वो पता ना दिल से बैठा नितिन के साथ या दिमाग से बैठा कि नितिन की फर्स्ट डे से रिकॉर्डिंग करूं, राजवीर ने उठा के अब पिन पॉइंट किया आदि की, आदि तू उठा के अब डाल, क्योंकि मैंने तो डाली नहीं, अब तू डाल और नितिन को कर बदनाम। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आपके मन की तसल्ली होनी चाहिए, आपका शायद नितिन ने कुछ करता देना होगा। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और वायरल न्यूज के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।